अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी गाइस, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? सबकी सेहत तबीयत कैसी है? गाइस आज हम जा रहे हैं गुजरात गाड़ी देखने, और आपको मैं सारा विजिट करवाऊंगा। और अभी हमारे झेलम में ये भी लग गया है, आई लव झेलम, बड़ा ज़बरदस्त लगा हुआ है। और ये हमारे हमजा भाई हैं साथ, और ये हमारे जानजेब भाई हैं साथ, और पूरे चिल्म मोल के साथ हम जा रहे हैं। ये हमारी गाड़ी है, तो इंशाल्लाह आपको सारा रास्ते में विजिट करवाएँगे कि क्या क्या हम करते हैं। और हम गाड़ी देखने वहाँ पे जा रहे हैं, अगर हमें गाड़ी पसंद आ गई तो हम उसका सौदा कर लेंगे साथ ही, और अगर ना पसंद आई तो फिर ये है कि फिर कोई और गाड़ी देखेंगे। तो आपको जाके गुजरात का विजिट करवाते हैं। अल्लाह हाफिज़। ले जी, अब मोटर दिलवा रहे हैं, आप जाने लगे हैं, इंशाल्लाह फिर आपको जाके दिखाते हैं गाड़ी, और आपने हमें कमेंट में बताना है कि गाड़ी कैसी है। तो आपके भी हमें स्पोर्ट चाहिए, अगर गाड़ी अच्छी हुई तो फिर ले लेंगे इंशाल्लाह। चाहिए दोस्तों के व्यूज चाहिए, दोस्त अपने बताएंगे गाड़ी कैसी है, फिर गाड़ी लेंगे, वरना हम गाड़ी रिजेक्ट कर देंगे। अच्छा, हमको जी फाइनली हम पहुंच चुके हैं अब गुजरात, अब हम अंदर एंटर होने लगे हैं। और ये हमारे हमजा भाई बैठे हुए हैं हमारे साथ, वो पीछे बैठे हुए हैं जी दानी भाई, पीछे जानदेव भाई बैठे हुए हैं। ये गुजरात हम पहुँच गए हैं, और जाके हम आपको फिर दिखाते हैं गाड़ी। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि पूरी उम्मीद है हमें गाड़ी पसंद आएगी, जैसे उन्होंने हमें बताया गाड़ी के बारे में वैसे ही गाड़ी हो, अगर वैसे ना हुई तो फिर काम रोले में हो जाना। भी ना क्या चाहते हो? नहीं जी गाइस, हम फाइनली पहुंच चुके हैं यहाँ पे गुजरात, यहाँ पे गाड़ी हम देखने आए हैं, तो आपको जाके दिखाते हैं, भाई से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो गाड़ियाँ गाड़ियाँ माशाल्लाह खड़ी हैं, चेक करें। ये गाइस ये गाड़ी है, ये हम चेक करने आए हैं, गाड़ी 2010 मॉडल है। और अगर आपने भी हमें बताना है ये गाड़ी कैसी है, हमारे लेने के काबिल है ये। गाड़ी चेक कर रहे हैं ये, तेजी भाई ने हमारे आगे बोतल पेश की है, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। ये हमारी डील होने लगी है गाड़ी की, गाड़ी हमें थोड़ी बहुत समझ आई है, बस भाई को बताते हैं कि क्या हिसाब है गाड़ी का। ये गुजरात शहीन चौक है सारा, अभी आपको विजिट कराएंगे शहीन चौक का भी, हम अभी आपको बोतल पी के फिर मिलते हैं, अगर आपने पीनी है तो बताएं। नहीं ले जी गाइस, फाइनली हम अब आ गए हैं शहीन चौक, और अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे हम सलाह करने लगे हैं गाड़ी के बारे में, और जानजेब भाई से पूछते हैं कि गाड़ी इनको कैसी लगी है, और दानी भाई से भी, और हमजा भाई से भी, तो फिर हम आपको अपना भी बताते हैं हमें गाड़ी कैसी लगी है। जी जानजेब भाई बताएं जी। जी अहमद भाई, गाड़ी तो ओवरऑल बाइक से शाबर थी, अंदर से 50-50 थी, काम होने वाला था गाड़ी का काफी सारा, और जो भाई ने रेट लगाया हुआ है उस रेट के ऊपर जाए तो गाड़ी वो काफी महंगी दे रहे हैं, जो कि अभी हम समझ नहीं आ रही हमें। हम मतलब सभी ने देखी है गाड़ी, रेट हमने जो लगाया उनको रेट बताया, वो उस रेट पे आ नहीं रहे, तो अभी तो फिलहाल हम घर जा रहे हैं, देखते हैं कि अब जाके वहाँ पे मशवरा करते हैं दूसरे भाइयों से भी, फिर पता चलेगा कि क्या वो क्या रेट गाड़ी का वो बताते हैं, और हम क्या डिसाइड करते हैं फिर कुछ पता चलेगा। अदरवाइज गाड़ी जो है ना वो 50-50 है, कुछ समझ नहीं आ रही गाड़ी के लिए। तो बाकी दानी भाई, भाई इनसे पूछें, ये हमारे जो है वो मार्केट दसो, व्हाट्सएप दसो, बहुत एक्सपीरियंस, व्हाट्सएप दसो और जी बताएं ना। दानी भाई बताएं गाड़ी। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। भाई बताएं आप, बहुत एक्सपेंसिव थी, रेट उन्होंने बहुत हाइक किया है। अच्छा, इतने की गाड़ी है नहीं भाई, ठीक हो गया, रेट बता दिया। क्या कहते हैं, आपने भी सुन लिया, आपने भी सुन लिया गाड़ी के बारे में, और गाइस अभी आपने बताना कि आपको कैसी गाड़ी लगी है। आप हमारा तो चलो, हमने तो जो देखा है देखा है, हमने अपना रिव्यू दे दिया, अब आप लोग बताएं कि गाड़ी का क्या करना चाहिए। आप लोग गाड़ी में देखें और कमेंट्स में बताएं कि गाड़ी का क्या रेट होना चाहिए, गाड़ी लेनी चाहिए कि ना लें, या कोई और देख ले गाड़ी, आप अपने कमेंट्स में हमें लाजमी और जरूर बताइएगा। यार मैं सही आपको बताऊं ना जानदेव भाई, मुझे गाड़ी कोई नहीं पसंद आई, गाड़ी के मजे की नहीं थी गाड़ी,
और वो पैसे पैसे ऐसे मांग रहा था कि जैसे जनाब फॉर्च्यूनर दिखलाई होती है गाड़ी, हमने अभी रानी का बच्चा लेना था डाले दी खाला चड़ेल। अच्छा जी कि हम अभी जा रहे हैं घर वापस और टाइम भी हो चुका है तकरीबन 11 हो गए हैं टाइम, तो ये है कि हम इंशाल्लाह फिर जेलम जाके आपको रास्ते में भी दिखाते हैं, हम चाय भी पियेंगे रास्ते में, तो देखते हैं कहाँ पे चाय हम पीते हैं। और ये हमारा शहीन चौक है, ये चेक करें, ये हम शहीन चौक खड़े हैं गुजरात। तो बाकी ये है कि हम आपको इंशाल्लाह ना अपडेट जाके ना घर जाके हम आपको करते हैं कि क्या हिसाब किताब है, क्योंकि गाड़ी तो हमें पसंद आई कोई नहीं है, सीधी बात बताऊँ तो आपने मैं अब बताना है कि गाड़ी कैसी है वो, अगर आप कहते हैं तो फिर हम जाके गाड़ी का सौदा कर लेंगे, क्योंकि हमने हमारा दिल तो पक्का था गाड़ी लेने का, लेकिन वो भाई बिल्कुल पैसे नहीं काम कर रहे, आपने पीछे देखा होगा वो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, वो कहते हैं जी तकरीबन 9 लाख रुपया फाइनल, और गाड़ी की हालत तो है को नहीं है इतनी, और हम लोगों ने 7.5 लगाया, हमने 7.5 लगा दिया, तो उनको गाड़ी पसंद नहीं आई, वो कहते हैं जी नहीं बहुत डिफरेंस है, मैंने कहा नहीं इतने की हो गए इससे का ऊपर नहीं है गाड़ी, यानी कि ये रानी नहीं है हम लोग ये रानी नहीं लेंगे, कोई और लेते हैं रानी, ठीक है राजा ले ले राजा। ले जी फाइनली हम घर पहुँच चुके हैं और हम अभी उतारने लगे हैं हमजा भाई को, उसके बाद जंजे भाई को इनका उतारते हैं, ये है कि फिर हम गाड़ी की सलाह करते हैं कि क्या करना है गाड़ी का, हमने अहमद भाई गड्डी दे मिट्टी पाओ सैरी दा की कर दे नेक्स्ट सैरी का, ये है कि आप घरों घर सैरी कर रहे पूरे मोहल्ले कर रहे, सैरी का भी कोई प्लान बनाए किसी दिन सैरी करें, जैसे वो कह रहे थे कि छत पिलर जनमन 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 जी जनमन छत पिलर जनमन अच्छी लगी है, तो अगर आप लेने वाली है या नहीं है, लेने वाली मुझे लेने वाली नहीं, मुझे लेला लगा बाकी ये लेला समझते हैं क्या होता है गाड़ियों में लेला कौन सी गाड़ी को कहते हैं, बाकी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लाइक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और सबको शेयर भी करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें, और आपने हमें जरूर बताना है कि गाड़ी का क्या करना चाहिए, राजे के लिए और रानी के लिए बच्चा लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।